नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने शॉल का बेस्ट रीयूज। मैं आज इस पुराने शॉल से एक बहुत ही स्टाइलिश सी वुलन जैकेट बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी पुराने दुपट्टा या पुराने शॉल पड़ी है तो आप भी इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शॉल को इस तरह खोल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शॉल को यहाँ से कट कर लेंगे। ये हिस्सा हम अलग कर लेंगे इसका। देखिए, यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए, इसे हमने कट कर लिया, इसे अलग रख देते हैं, इसे बाद में यूज करेंगे। और देखिए, शॉल को इस तरह से होल्ड करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए, इसे हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। देखिए, अब सबसे पहले हम लंबाई पर निशान लगा लेंगे, जितनी भी लंबी हमें जैकेट बनानी है। तो देखिए, इस तरह से मैं 22 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। अब हमारा तीरा है 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे 7 इंच। तो इस तरह अंदर की तरफ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां से नीचे की तरफ भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, अब देखिए, यहां से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 36 इंच। तो 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। तो देखिए, यहां से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, 9 इंच पे निशान लगा लिया हमने। अब देखिए, हम यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, 14 इंच पे निशान लगा दिया हमने। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर है 32 इंच। 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ से इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। देखिए, हमने इस निशान को इस निशान से मिला लिया। अब हम इसे नापेंगे, ये हमने रखा है 9 इंच। तो नीचे भी हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। देखिए, हमने इसे मिला लिया। अब यहां से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से गोलाई देंगे इसे। अब देखिए, इस निशान से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है सिलाई के लिए। ये देखिए, नीचे तक 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को मिला लेंगे। कटिंग हमें इन निशान की करनी है, इसे भी नीचे यहां तक मिला लेते हैं। अब यहां से हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पे। देखिए, यहां पे हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब नीचे हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से 4.5 इंच पे इस निशान को इस तरह लगा लेंगे। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे गले की। गले की गोलाई दे दी हमने। अब इसे कट कर लेते हैं। इस ऊपर से थोड़ा तिरछा कट करेंगे इस तरह से। देखिए, जैकेट का फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब इसे एक साइड रखते हैं, इसे नीचे की तरफ करेंगे इस तरह। देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने इस तरह खुली साइड से की थी। अब जो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे वो हम बंद साइड से करेंगे। इसे लेंगे, देखिए इस तरह रखेंगे, इस पर निशान लगा लेंगे। इसे हटा लेंगे। अब इसे कट करेंगे। देखिए, जैकेट का बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब इसमें गले का निशान लगाएंगे। 3 इंच में निशान लगाएंगे। 1 इंच नीचे की तरफ खींचेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से इसे हल्की से गोलाई दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए, बैक साइड की कटिंग भी हो गई है, इसे एक साइड रख देते हैं। अब देखिए, हम फ्रंट साइड लेंगे, इसमें हल्की से गोलाई दे देंगे इस तरह। इसे कट कर लेंगे। किसे कट कर लिया हमने, दोनों पीसेस को अलग रख देते हैं। अब देखिए, फिर से शॉल लेंगे, इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह फोल्ड करेंगे इसे, और इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। जो हमने जैकेट में आर्म होल कट किया था वो 7 इंच था, तो हमने इसमें 2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो हमने 9 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है।
अब इसकी लेंथ लेंगे हम 18 इंच। 8 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने 18 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को इस तरह सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लिया हमने और यहाँ से हम इस तरह 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे इस निशान से। यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे मिला लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए एक आस्तीन हमने कट कर लिए, इसे एक साइड रखते हैं। अब देखिए इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, आस्तीन लेंगे, आस्तीन की बंद साइड पर रखेंगे। इस तरह रख के दूसरी आस्तीन भी कट कर लेंगे। इसे अलग हटा देते हैं। इसे भी हमने दूसरी आस्तीन भी कट कर ली है हमने। अब इस तरह से बिछाएंगे एक आस्तीन, ये इसकी सीधी साइड है। इसे भी इस तरह बिछाएंगे, इसकी सीधी साइड में हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब सबसे पहले इसके इस तरह से कुछ सेंटर में कट कर लेंगे। अब इसे फिर से खोलेंगे। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे इसे इस निशान तक कट तक। इस तरह हल्की सी गोलाई देंगे इस कट तक, इसे भी कट कर लेंगे। देखिए आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब देखिए सॉल में से हमने इस तरह से नीचे का पार्ट कट किया था, तो अब हम इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इस तरह कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने कट कर लिया है, इसे भी अलग रख देते हैं। अब हम जैकेट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट इसमें बिछा लेंगे इस तरह से। ये इसकी सीधी साइड है। हम अब फ्रंट पार्ट लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से इसे इस तरह बिछा लेंगे। दूसरा पार्ट लेंगे, इसे भी इस तरह बिछा लेंगे इसके ऊपर। देखिए दोनों पार्ट हमने इस तरह बिछा लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों कंधे सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। देखिए हमने दोनों कंधे जोड़ दिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब इसे एक साइड रखते हैं। अब देखिए ये बॉर्डर का बचा हुआ हिस्सा है हमारे पास सॉल का। इसमें से हम गले के लिए पट्टी कट करेंगे। गले के लिए हम तिरछी पट्टी कट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह तिरछा कट कर लेंगे इसे। देखिए पहले निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है। इस तरह 1.5 इंच भी निशान लगा लिया हमने। अब इस निशान को इस तरह सीधा खींच लेंगे। इसमें से हम 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। एक पट्टी और कट कर लेते हैं। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए दो तिरछी पट्टी हमने कट कर ली है। अब एक पट्टी रखेंगे, दूसरी पट्टी को इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ लेंगे। देखिए पट्टी को हमने जोड़ लिया है। इस तरह हमारी एक लंबी सी पट्टी तैयार हो गई है। और इसे एक साइड रखते हैं। अब इसे लेंगे इस तरह से खुलाएंगे, इसे पट्टी लेंगे। अब हम पट्टी को इस तरह जोड़ेंगे और इस तरह गोल घुमाते हुए यहाँ से इस तरह से उल्टी साइड से यहाँ तक सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। इस तरह गोल घुमाते हुए उल्टी साइड से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। देखिए गले में इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर पट्टी को जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह सीधे की तरफ पलटेंगे। देखिए सीधी साइड है, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरी गोलाई में मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए पट्टी को हमने ऊपर की तरफ सीधी साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। देखिए अब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इस तरह रखेंगे इस आस्तीन को एक साइड से। इस तरह आस्तीन लेंगे, आस्तीन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह यहाँ से गोल घुमाते हुए सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। जो हमारा एक
सेंटर में कट लगाया है हमने आस्तीन में, ये कट हमारा इस सिलाई में आना चाहिए इस तरह से, और इस तरह यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे जोड़ देंगे आस्तीन को। देखिए आस्तीन को इस तरह सिलाई लगा कर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, दूसरी आस्तीन में हमने इसी तरह से जोड़ लिए। ये देखिए वहाँ आस्तीन को नीचे से फोल्ड करना है हमें, तो उल्टी साइड हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरी आस्तीन में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए नीचे से हमने बाजू की किनारी मोड़ दिए, देखिए अब इसे इस तरह बिछाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है इसमें, यहाँ पे निशान लगा हुआ है सिलाई का, यहाँ से हम 5 इंच भी निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे, इस निशान तक मिला देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के इसे जोड़ लेंगे और इस तरह इस साइड भी जोड़ लेंगे। देखिए जैकेट को हमने दोनों साइड से जोड़ लिया है सिलाई करके, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और इसे इस तरह करेंगे। देखिए नीचे की साइड फैलाएंगे इसकी, देखिए इसे हमने शॉल के नीचे की साइड से कट किया था, अब हम इसे इस तरह रखेंगे और इस तरह रखते हुए सिलाई लगाकर पूरे घेर में जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे घेर में जोड़ देंगे। देखिए जैकेट की नीचे की साइड में हमने इस तरह से इसे जोड़ लिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे में जोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, देखिए इस तरह से, और यहाँ से किनारे किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे में किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है, देखिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इस तरफ भी, और इसी तरह इसे भी इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, देखिए हमारी जैकेट बिल्कुल रेडी है। ये देखिए देखिए इसे आप सूट के ऊपर पहन सकते हैं, साड़ी के ऊपर पहन सकते हैं, जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं।